दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा अर्थ जब बन रहा था तो उस समय आखिर हमारे अर्थ में अचानक से पानी कहाँ से आ गया। क्योंकि अर्थ जब बन रहा था तो उस समय वहाँ पे लावा ही लावा था। तो कहा जाता है कि अर्थ में ही काफी सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे जो कि मिल के H2O बन गए और वो धीरे धीरे एटमोसफेयर में फैल गए और एक थिक बहुत ही मोटा लेयर बना लिए और जो कि बाद में बारिश की तरह बरसा और हमारे अर्थ में पानी आ गया। ये था पहला नंबर सिचुएशन। और दूसरा सिचुएशन था कि बाहर से एस्ट्रॉयड में जो प्रिजर्व पानी था, यानी एस्ट्रॉयड के अंदर काफ़ी सारे मटेरियल्स या फिर आइसी ब्लॉक्स कह सकते हो रहते हैं, और वो अगर हमारे अर्थ में आया होगा, जो कि आया था हमारा अर्थ जब बन रहा था, तो काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड दोस्तों हमारे अर्थ से टकराए थे। तो उस समय अगर उन एस्ट्रॉयड के साथ पानी आया होगा दोस्तों, तो हो सकता है कि उस पानी से हमारे अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो बन गया होगा और फिर बारिश से और या फिर कह सकते हैं उन एस्ट्रॉयड का पानी जम के या फिर ठंडा होके धीरे से पूरा ओशन बना लिया होगा। तो इसके बारे में काफी बड़ा डिबेट है दोस्तों, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही एस्ट्रॉयड के बारे में जिसमें पाया गया है दोस्तों पानी और ऑर्गेनिक मैटर। तो बात करते इसके बारे में, तो इसका नाम है इदोकोवा और इसे खोजा गया है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा, जिसे जाक्सा भी कहते हैं, और उनके एक हैबुस नाम का मिशन था 2021 में, जब उन्होंने उस एस्ट्रॉयड से काफ़ी सारे सैंपल अर्थ में बुलाए थे और उनमें से एक सैंपल उनको टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि इस एस्ट्रॉयड में ऑर्गेनिक मैटर वो भी काफ़ी पुराने समय का प्रिजर्व्ड है। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों हो सकता है कि हमारे अर्थ में जो पानी आया होगा वो किसी एस्ट्रॉयड से भी आ सकता है और अर्थ से भी। तो दोस्तों इस समय साइंटिस्ट का मानना है कि ये दोनों स्थितियाँ सही थी, यानी असल में हुआ ये होगा कि अर्थ में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे वो दोनों मिलके भी पानी बना होगा और जो एस्ट्रॉयड था उससे भी पानी आया होगा। तो दोस्तों इतना बड़ा जो ह्यूज ओशन है वो बना था इसी तरह से। तो हमारे अर्थ के शुरुआती समय के बारे में जान के आपको कैसा लगा तो कमेंट में बताना मेरे को, और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ दोस्तों हमारी छोटी सी फैमिली के साथ, जहाँ पे हम सीखते हैं काफी मजेदार चीजों के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।